हर साल का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली होता है बच्चन परिवार में, लेकिन इस साल श्वेता बच्चन के फादर इन लॉ की इसी साल के शुरुआत में डेथ हो जाने की वजह से बच्चन परिवार में वो लेविश फंक्शन नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, हर साल मुंबई के जलसा में दिवाली वाले दिन फैमिली और फ्रेंड्स के लिए शाम को दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लेकिन इस बार इतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होगा। सिर्फ दिवाली वाले दिन एक छोटी सी पूजा होगी जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के साथ शामिल होंगे। तो वही इसी साल कपूर खानदान भी धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। जी हाँ, बीटाउन की जान कहें या फिर दुनिया की शान, श्रीदेवी ने भी इसी साल हम सब को अलविदा कहा था। और इसी साल करिश्मा कपूर और करीना कपूर की दादी यानी कि कृष्णा राज कपूर का देहांत हुआ था, जिस वजह से कपूर खानदान में लेविश सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली नहीं होगा। इवन इस बारे में एक इवेंट में पहुंची करिश्मा कपूर ने भी खुलासा किया था कि दादी की वजह से हम दिवाली सेलिब्रेट नहीं करेंगे। Well, I think, honestly, this year हमारा सेलिब्रेशन बहुत लोकी होगा क्योंकि मेरी दादी just passed away, so it will be only family and at home. लेकिन दूसरी तरफ बात करें श्रीदेवी की डेथ हो जाने के बावजूद सोनम कपूर की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, और अगर दिवाली की बात करें तो हो सकता है कि दिवाली का सेलिब्रेशन करने से भी सोनम कपूर ना रुके। वेल, वी आर सो एक्साइटेड फॉर दिवाली बैश, बट वी विल मिस बच्चन दिवाली। और अगर कपूर खानदान भी नहीं मनाएगा ये दिवाली सेलिब्रेशन, तो हम बीटाउन की दिवाली का जो मीठापन है वो जरूर मिस करेंगे। एंटरटेनमेंट की ऐसी ही रिपोर्ट जानने के लिए देखते रहिए तड़का बॉलीवुड, और हमारा यूट्यूब पर चैनल तड़का बॉलीवुड जरूर सब्सक्राइब करें। एंटरटेनमेंट डेस्क, पंजाब केसरी टीवी।